जरा सोच के बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? पूरा गांव एक साथ झूठ बोल रहा है। अभी हाथ उठाकर बोले हैं, ए भैया हमको अपने बच्चों की बड़ा चिंता है, हम आपके गांव में आए हैं पैदल, रास्ता में हमको अगर 200 बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है, आपका जितना छोटा बच्चा हमको मिला ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, आज सोमवार है, दिन भर हम पैदल चलकर आए हैं, किसी विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला, 10 बजे खिचड़ी खा के घूरा पर रोड पर आपका लड़का दौड़ रहा है, वो आपके बच्चे हैं, जितना आदमी आप यहाँ आए हैं आपको अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है, यहाँ हाथ उठाकर झूठो बोल रहे हैं, हमको हमारे बच्चे का चिंता है, अगर आपको अपने बच्चे का चिंता होता तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है उसको जाकर आप वोट देते, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के हाथ से किताब कॉपी लेके खिचड़ी का प्लेट पकड़ा दिया उसी को जात धर्म के नाम पर जाकर आप वोट देते हैं, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को मजदूर बना दिया उसी को कल जाकर आप वोट दीजिएगा, यहाँ हाथ उठा के कह रहे हैं कि बच्चे की बड़ा चिंता है, मेरे भाई आपको अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है, चिंता बच्चों की क्या होती है, अगर सीखना है तो लालू जी को देखिए, लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है, उनका लड़का 9वां नहीं पास है लेकिन लालू जी को कितना चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने मुख्यमंत्री बने, और आप अपना दुर्दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासियों का नौकरी नहीं है लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है, आप तो जात का झंडा उठाए, आपको मंदिर मस्जिद बुझाता है, भारत पाकिस्तान पुलवामा समझ में आता है, गांव में बैठ के लालू जी कैसे जीतेंगे MYPY समीकरण आपको बुझाता है, बहुत ज्ञानी ऐसा है कि गांव में बैठ के उसको दिख रहा है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है कि 58 इंच का, अपने बच्चों की दुर्दशा नहीं दिख रही है, तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा।